हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द जैन किचन। जैन किचन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे न्यू रेसिपी की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मटर की कचौड़ी। सर्दियों में मटर बहुत ही आसानी से मिल जाती है और इस तरह की रेसिपी को हम हाली बना सकते हैं। जार में हम 4 हरी मिर्च कट कर लेंगे और 2 कप मटर इसमें हम ऐड करेंगे। मटर को हमें दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा मिक्सी चलाते जाएंगे और इस तरह हम फिलिंग तैयार करेंगे। मटर की फिलिंग बनाने के लिए हमने एक पैन को गर्म करने रख दिया। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल में हम फिलिंग तैयार कर रहे हैं। तेल के गर्म होने के बाद हम इसमें 1 पिंच हींग ऐड करेंगे। हींग से फिलिंग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। जैन तरीके से मटर की कचौड़ी किस तरह बनाएं, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। बिना अदरक, बिना लहसुन, बिना प्याज के ये कचौड़ी बहुत ही लाजवाब लगेगी। बहुत ही कम सामान में ये तैयार करेंगे। 1 चम्मच सौंफ हमने इसमें ऐड कर दी है। 1/2 चम्मच अजवाइन हम इसमें डालेंगे। एक 1/4 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच हमने धनिया पाउडर इसमें ऐड किया है। धनिया पाउडर से कचौड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1/2 चम्मच इसमें हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। इनको अच्छे से भून लेंगे ऑयल में। अब इसमें हम मटर ऐड करेंगे। गैस को हम लो फ्लेम पर कर देंगे और इस फिलिंग को हम धीरे धीरे चलाते हुए सेकेंगे। इससे मसाले हमारे जलेंगे नहीं। मटर के अकॉर्डिंग हमने इसमें नमक ऐड किया है, 1/2 चम्मच नमक। 1/4 चम्मच हमने काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड किया है। तीखापन आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। देखिए इस तरह फिलिंग चिपकेगी भी नहीं, बहुत आसानी से ये पक जाएगी। इस तरह इसे चलाते रहेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/6 करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। फिलिंग लगभग भून चुकी है, देखिए पैन से भी नहीं चिपक रही है। देखिए अब इसमें हम लास्ट में ड्राई की हुई मेथी ऐड करेंगे। अगर आपके पास ड्राई मेथी नहीं है तो आप कसूरी मेथी भी इसमें डाल सकते हो, इससे बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। तीन कप हम यहाँ मैदा ले रहे हैं, इससे हम डो तैयार करेंगे। 3 कप मैदा और 1 कप व्हीट फ्लोर इसमें हम ऐड करेंगे। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से जिस तरह बाजार में कचौड़ी मिलती है उस तरह हम इसकी परत बनाएंगे। इसमें हम 1/2 चम्मच नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, 1/4 चम्मच अजवाइन और कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल हमें चेक करना है कि इसमें पर्याप्त डला है या नहीं, इसके लिए हम ऑयल को इसमें ऐड करेंगे।
1/4 कप इसमें ऑयल हमने अभी ऐड किया है। देखिए इसमें थोड़ा सा ऑयल हमने और डाला, उसके बाद अच्छे से जो आटा है वो बंध रहा है। देखिए मतलब इससे बहुत ही खस्ता कचौड़ी बनेंगी। अब लुकवॉर्म वाटर से हम डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हमें ऐड करना है, मीडियम सॉफ्ट डो इस तरह हम बना लेंगे। डो को हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं और फिलिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। इसके हम पेड़े तैयार करेंगे छोटे छोटे इस तरह से, जिससे कचौड़ी बनाने में आसानी रहेगी। सारे गोले हम बना लेंगे। बीस से 25 कचौड़ी आसानी से तैयार हो जाएंगी। देखिए कितनी जल्दी कचौड़ी तैयार होती हैं। देखिए डो को हम अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। अब हम छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं, जैसे हम पूरी के लिए पेड़े बनाते हैं उसे थोड़ा बड़ा, क्योंकि इसकी परत हमें पूरी से थोड़ी मोटी लेनी है। देखिए अब हम बेल के बताते हैं। इस तरह पूरी की साइज की हम कचौड़ी बेल लेंगे, थिकनेस थोड़ी मोटी रखेंगे। देखिए इसमें हम एक पेड़ा रखेंगे और इसे चारों तरफ से बंद करेंगे। देखिए इस तरह एक्स्ट्रा डो को हम हटा सकते हैं, इसमें चिपका दीजिए। सारी कचौड़ी हम इस तरह बना लेंगे, छोटी छोटी कचौड़ी तैयार हो जाएंगी। इस तरह इन्हें हम थोड़ा सा बेलना से बेलकर भी बड़ी बड़ी कचौड़ी भी बना सकते हैं। हम दोनों तरह से आपको बताएंगे। इस तरह कचौड़ी बनाने के बाद इस पर एक दो बेलन चला दीजिए तो ये चपटी हो जाएगी और साइज में बड़ी दिखेगी। आप हथेली की सहायता से भी ये कर सकते हो। ऑयल गरम हो चुका है, मीडियम फ्लेम पर हमने अच्छे से ऑयल को गरम कर लिया है। अच्छे से हॉट होना चाहिए ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल में आप बना सकते हो जो आप पसंद करते हो, विदाउट फ्लेवर वाला। कचौड़ी के डालने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे, जिससे कचौड़ी हमारी अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए और इसे चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अगर आप फ्लेम हाई रखते हो तो आपकी कचौड़ी सिक तो जल्दी जाएगी पर अंदर से कच्ची रह जाएगी। इस तरह आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि डालते समय फ्लेम हाई होना चाहिए, तेल अच्छा गर्म होना चाहिए और उसके बाद फ्लेम को हमें लो करनी है, जिससे कचौड़ी अंदर से अच्छे से पक जाए, खाने में खस्ता लगे। इस तरह से हम कचौड़ियों को टर्न बीच बीच में करते रहेंगे। बहुत ही कम समय में इतनी सारी कचौड़ियां तैयार हो जाएंगी। इस तरह आप इन्हें बनाकर 2 से 3 दिन तक खा सकते हो, खराब भी नहीं होंगी।
अगर आपको ऐसा लगे कि कचौड़ी के जो फ्राई करते समय किनारे खुल रहे हैं, तो आप किनारियों पर पानी लगाकर भी कचौड़ी को बाइंड कर सकते हो। इस तरह हम सारी कचौड़ी भरकर बीच में तैयार कर लेंगे। देखिए, देखिए कलर कितना अच्छा आया है। इस तरह जो हमने बेलकर कचौड़ी तैयार की है वो भी हम फ्राई करके दिखाते हैं। इन्हें भी बिल्कुल वैसे ही फ्राई करना है जैसे हमने मिनी कचौड़ी की है। देखिए ये भी एकदम अच्छे से फूलेंगी, क्रिस्पी और करारी बनेंगी। ये दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं। देखिए कितना फूल गई है कचौड़ी। देखिए अभी ये बीच में कच्ची लग रही होगी, इसे अभी हम और अच्छे से सेकेंगे। देखिए खस्ता कचौरी